देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत पार्ट हमने कल भी इंट्रोड्यूस किया था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर क्या है, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ये सारे के सारे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल पॉपुलेशन के बेसिस पे ड्राइव होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो बेसिक अजम्पशन है, भाई जो सैंपल हम कंसिडर कर रहे हैं वो सैंपल हमारा क्या है, नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है। ठीक है, तो जो बेसिक अजम्पशन होगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वे लेट X1 X2 अप टू XN बी ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज N फ्रॉम N म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर बेसिक बेसिक अजम्पशन है, सैंपल की जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो नॉर्मल पॉपुलेशन है विथ पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। ठीक, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ एग्जांपल से भी हमने इसे डिस्कस किया था। जैसे हमने लिया था भाई पॉपुलेशन में 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, इन 5 यूनिट्स में से हम क्या कर रहे थे, सैंपल में अगर 2 यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास अगर हम एक स्टैटिस्टिक डिफाइन कर लें एक्स बार, तो इस एक्स बार के डिफरेंट वैल्यूज हमें मिल रही थी। ठीक है, तो एक्स बार की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही थी, तो ये क्या था, हम कह सकते थे भाई दिस इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। ठीक, तो ये हमने देखा था। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ रिलेशंस डेवलप करेंगे। ठीक है, तो जो कंडीशन है हमारे पास एक्स आई फॉलोज नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर फॉर एवरी आई 1 to up to n। तो इस केस में जो एक्स आई होगा ये आई आई डी रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, आई आई डी मीन्स आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। ओके, तो हर ऑब्जर्वेशन का मीन म्यू है, वेरियंस सिग्मा स्क्वायर है। तो यहाँ से हम जेड आई डिफाइन कर सकते हैं, जेड आई इज सिंपली एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो इस जेड आई का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा विथ मीन 0 एंड वेरियंस 1। ठीक है, तो मीन अगर आप कैलकुलेट करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड आई हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस म्यू ओवर सिग्मा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। ये कांस्टेंट है तो एक्सपेक्टेशन से बाहर ले सकते हैं, और ये रहेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस म्यू। तो ये 1 अपॉन सिग्मा और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई, एक्सपेक्टेशन अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये 1 अपॉन सिग्मा इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई, हम कह रहे हैं भाई एक्स आई इज आई आई डी रैंडम वेरिएबल, आई आई डी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, सो मीन ऑफ एक्स आई विल बी म्यू एंड वेरियंस ऑफ एक्स आई विल बी सिग्मा स्क्वायर। ओके, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई म्यू है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू, कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट होती है, तो ये म्यू ही आएगा। तो ये म्यू माइनस म्यू दैट इज 0, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड आई इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इफ वी ट्राई टू फाइंड वेरियंस ऑफ दिस जेड आई, वी विल गेट वेरियंस ऑफ एक्स आई माइनस म्यू ओवर सिग्मा। सो सिग्मा इज कांस्टेंट, तो सिग्मा हम बाहर लें तो ये 1 बाई सिग्मा स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स आई माइनस म्यू इतना होगा। तो 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर ये वेरियंस हो जाएगा, वेरियंस ऑफ एक्स आई माइनस वेरियंस ऑफ म्यू, एंड वेरियंस ऑफ एक्स आई इज
वन ओवर सिग्मा स्क्वायर, वेरियंस ऑफ एक्साइज सिग्मा स्क्वायर एंड वेरियंस ऑफ कॉन्स्टेंट विल बी जीरो। कॉन्स्टेंट म्यू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट का वेरियंस जीरो होगा, तो ये हो जाएगा वन। ओके, सो दिस गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड आई एज नॉर्मल विथ मीन जीरो एंड वेरियंस वन। तो इतना सबको पता है, ये रिजल्ट सबको पता है, ठीक है। तो यहीं से एक और रिजल्ट हमने देखा था, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड सैम्पल मीन हम डिफाइन करें, सो सैम्पल मीन इज ए स्टैटिस्टिक विच इज नथिंग बट वन अपॉन एन समेशन एक्स आई, दैट इज फंक्शन ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशन। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस एक्स बार विल बी नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर बाई एन। ओके, सो नाउ दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक, सो इट इज नोन एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। देखो, एक्स बार हमारा एक स्टैटिस्टिक है, हमने कहा भाई ये फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं, ये भी क्या आया, नॉर्मल ही आया, ठीक है, यानी ये भी क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। अब लेकिन किसका है, एक स्टैटिस्टिक का है, ठीक है, एक एस्टिमेटर का है, तो इस थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट गिवन स्टैटिस्टिक। ओके, तो ये डिफाइन हो गया। अब यहाँ से जो फर्स्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में पहले हम काई स्क्वायर को डिफाइन करते हैं, काई स्क्वायर वेरिएट क्या होगा, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स क्या होगी, ठीक है। देन उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम फाइंड करें, तो जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो काई स्क्वायर का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या उसे हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, ठीक। तो काई स्क्वायर वेरिएट को हम डिफाइन करते हैं, इसको आप लिख सकते हैं काई स्क्वायर, इस तरह से इसे हम लिखेंगे काई स्क्वायर वेरिएट, इज डिफाइंड एज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, दिस जेड आई इज नोन एज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, इज डिफाइंड एज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ओके, सो जेड स्क्वायर इज सिंपली काई स्क्वायर विद वन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड विल बी इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ अननोन्स या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वन, सो इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी वन। ओके, सो काई स्क्वायर विथ वन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। सिमिलरली इफ वी टेक जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस अप टू जेड एन स्क्वायर, वेयर जेड वन जेड टू अप टू जेड एन आर इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स, देन दिस टर्म इज नोन एज काई स्क्वायर विथ एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, काई स्क्वायर वेरिएट विथ एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, सो इसका जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने की जरूरत तो नहीं है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं आप लोगों को आता होगा, क्यों इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव करने की जरूरत है क्या? इस काई स्क्वायर एन का पीडीएफ क्या होगा, या काई स्क्वायर वन का पीडीएफ क्या होगा, ये ड्राइव करना है या मैं डायरेक्ट नोट करूं? डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव करने की ज़रूरत है या मैं डायरेक्ट नोट करूं पीडीएफ इसका, बताइए।
आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। यस एंड नो। अच्छा नहीं है जरूरत। ठीक है, जनरली डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के हमारे पास मेथड हैं। फर्स्ट मेथड इज मीन वेरियंस मेथड, ठीक है। सेकंड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड थर्ड वन इज एमजीएम मेथड, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड तो हमने देखा था भाई, जहाँ पर हम रैंडम वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं भाई वाई इज सम कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, वेयर एक्स फॉलोज एनी पीडीएफ एफ एक्स। तो इस केस में हम जी एक्स यानी वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक। अब जहाँ पर स्टेटिस्टिक्स या एस्टिमेटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होता है, तो वहाँ पर मीन वेरियंस अप्रोच या एमजीएफ अप्रोच का यूज किया जाता है कॉमनली, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक। तो एमजीएफ की हेल्प से जब हम काई स्क्वायर एन का एमजीएफ फाइंड करेंगे, तो एम काई स्क्वायर एन ये एमजीएफ हम निकालेंगे, तो ये एमजीएफ आएगा 1 - 2t⁻², ठीक है। हमने क्या करा है, एम जी एफ अप्रोच यूज की है। हम सिंपली क्या करना चाह रहे हैं, काई स्क्वायर एन का एम जी एफ फाइंड करना चाह रहे हैं। हमारे पास जेड का डिस्ट्रीब्यूशन नोन है, जेड का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल विथ मीन 0 एंड 1, ठीक है, वेरियंस 1। तो इस केस में हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर एन का एम जी एफ फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड। सो काई स्क्वायर का एम जी एफ हमने फाइंड किया, तो ये आया 1 - 2t⁻²। तो इस केस में अब हम देखेंगे भाई ये एम जी एफ किस डिस्ट्रीब्यूशन का है, किस डिस्ट्रीब्यूशन के आइडेंटिकल है, ठीक है। एम जी एफ की प्रॉपर्टी होती है एम जी एफ यूनिकली डिटरमाइंस दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर एम जी एफ एग्जिस्ट करता है, तो वो उस डिस्ट्रीब्यूशन का एम जी एफ क्या होगा, उस केस में यूनिक होगा। तो ये एम जी एफ है, तो इसका मतलब है इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, यूनिक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो एम जी एफ में अगर बात करें, तो हमने गामा डिस्ट्रीब्यूशन का एम जी एफ देखा था। अगर एक्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, एक्स फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर ए कॉमा लैम्डा, देन एम एक्स टी विल बी 1 - t/a⁻²। यही होता है एम जी एफ ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद टू पैरामीटर्स इज 1 - t/a⁻², ठीक है। तो जब इस एम जी एफ को कंपेयर करेंगे, तो हम देखेंगे ए इक्वल टू कितना है, 1/2 है, और लैम्डा इक्वल टू कितना है, n/2 है। तो ये इम्प्लाई करेगा काई स्क्वायर एन फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स 1/2, n/2। तो एक रिजल्ट ये मिला हमें, ठीक है। जो काई स्क्वायर एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन गामा डिस्ट्रीब्यूशन होगा विथ पैरामीटर्स 1, 1/2, n/2। इसी तरह से अगर काई स्क्वायर 1 है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा गामा विथ पैरामीटर्स 1/2, 1/2। तो काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन होगा विथ पैरामीटर 1/2, 1/2, ठीक है। अब देखो, जब हम काई स्क्वायर एन डिफाइन कर रहे हैं, तो काई स्क्वायर एन इज डिफाइंड एज समेशन i1 to n जेड आई स्क्वायर, ओके। एंड जेड आई स्क्वायर कैन बी रिटन एज xi - μ/σ² इफ एक्स आई रिप्रेजेंट्स ए रैंडम सैंपल टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विथ पैरामीटर्स μ and σ², देन दिस काई स्क्वायर एन विल बी ए स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक मीन्स फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस, ये होगा। तो काई स्क्वायर एन यहाँ पर क्या है, एक स्टैटिस्टिक है, और इस काई स्क्वायर एन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है गामा डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काई स्क्वायर
स्टैटिस्टिक. ओके सो द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक इज गामा डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन म्यू और सिग्मा स्क्वायर. ठीक है, तो हम देख रहे हैं भाई काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. तो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन गामा डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, तो यहाँ गामा डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैरामीटर हैं, ठीक, हमने जो पैरामीटर हमारे पास हैं ओरिजिनल पैरामीटर ओरिजिनल पॉपुलेशन में, वो म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है. अब हमने इस स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया, काई स्क्वायर एन हमारी स्टैटिस्टिक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करा, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दीज पैरामीटर्स. ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई ये काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक क्या है, एक एंसिलरी स्टैटिस्टिक है. देन काई स्क्वायर एन विल बी एन एंसिलरी स्टैटिस्टिक. ओके, तो ये रिजल्ट भी आप ध्यान में रखिए. तो अब क्लियर हो गया. अब मैं क्या कर लूं भाई, लेट काई स्क्वायर एन थोड़ा सा हैवी लग रहा है लिखने में, तो इसे मैं वाई मान लेता हूँ, एक वेरिएबल मान लेता हूँ, काई स्क्वायर एन इक्वल टू वाई, यानी काई स्क्वायर एन को मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है, देन पीडीएफ ऑफ काई स्क्वायर एन दैट इज वाई विल बी कितना होगा, एफ काई स्क्वायर एन जिसे लिखेंगे आप, या इसे मैं एफ वाई कह लूँ. ठीक है, काई स्क्वायर एन को मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ आपको ध्यान पे रखना है. गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होगा, इफ एक्स फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स ए कॉमा लैम्डा, देन एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर लैम्डा अपॉन गामा लैम्डा ए टू द पावर माइनस ए एक्स एक्स टू द पावर लैम्डा माइनस वन वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. यही होगा, दिस इज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ टू पैरामीटर्स. तो अब हमने देख लिया यहाँ पर इस केस में ए इक्वल टू कितना है, वन बाई टू है, लैम्डा इक्वल टू एन बाई टू है, तो एफ वाई कितना होगा, एफ वाई हो जाएगा ए, दैट मीन्स वन बाई टू टू द पावर एन बाई टू अपॉन गामा लैम्डा दैट इज गामा एन बाई टू इन टू ए टू द पावर माइनस ए दैट इज वन बाई टू इन टू एक्स, एक्स को यहाँ पर हम वाई लिखेंगे, वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी डी एफ को, इन टू वाई टू द पावर एन बाई टू माइनस वन वेयर वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. क्लियर है, तो इसे सिंप्लीफाई करें तो ये वन बाई टू टू द पावर एन बाई टू गामा एन बाई टू ई टू द पावर माइनस वाई बाई टू वाई टू द पावर एन बाई टू माइनस वन वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. दिस इज द पी डी एफ ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक है, इतना सबको समझ में आया होगा, सबको पता है ये रिजल्ट. ठीक है, तो एक रिजल्ट और यहां से फॉलो होता है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इफ वाई फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ वन बाई टू एंड एन बाई टू देन व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन बाई टू इंटू वाई, y अपॉन टू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अगर y का डिस्ट्रीब्यूशन गामा डिस्ट्रीब्यूशन है विद पैरामीटर्स 1, 2 एंड n बाई टू देन y बाई टू फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ n बाई टू. ठीक है, ये रिजल्ट है, सिंपल रिजल्ट है. ठीक
ठीक है, हमें क्या करना है, 1/2 y का PDF फाइंड करना है। तो हम 1/2 y को u ले लें, तो y इक्वल टू 2u हो जाएगा। ठीक है, dy इक्वल टू 2u du। तो हमें क्या करना है, fu निकालना है। सो fu विल बी fy इंटू मॉड ऑफ du अपॉन dy, ये होगा, सॉरी dy अपॉन du, ये होता है ना, एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू मॉड ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई बाई ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम ऑफ वन डायमेंशनल रेंडम वेरिएबल। अगर वाई एक्स का कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वाई का पीडीएफ कितना होगा, एफ एक्स इंटू मॉड डी एक्स अपॉन डी वाई होगा। तो इस केस में ये एक्स की जगह पे वाई है और वाई की जगह पे यू है, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी यू इस तरह से हम लिखेंगे। तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये गामा n/2 आ जाएगा, ठीक है, पीडीएफ आ जाएगा गामा n/2 का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, तो y/2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ n/2, ये सिंगल पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस केस में, क्लियर। तो ये रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर पता करना है। डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, सिमेट्रिक होगा, नेगेटिवली स्क्यूड होगा या पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, और इसका मीन वेरियंस मोड वगैरह क्या होंगे। तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम MGF का यूज करेंगे, ठीक है। MGF हमारे पास है MYT इज इक्वल टू 1 - 2t⁻¹-n/2। तो MGF की हेल्प से हमें क्या करना है, मोमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो सेंट्रल मोमेंट्स हमें चाहिए होंगे β1 β2 के लिए। β1 की वैल्यू क्या है, β1 की वैल्यू है कितनी होती है, μ3² अपॉन μ2³, और β2 की वैल्यू होगी μ4 अपॉन μ2² ठीक है। तो β1 और β2 हमें देखना है क्या आएगा, इसके बेसिस पे हम बताएंगे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। तो MGF की हेल्प से तो हमें रॉ मोमेंट्स मिलेंगे। तो हम क्या करें, kxt निकाल लें, ठीक है, kyt दैट मीन्स क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल y। तो ये हो जाएगा -n/2 log ऑफ 1 - 2t, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन करेंगे टी की लाइक पावर्स को, कोफिशियंट ऑफ टी की लाइक पावर्स को कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें k1 k2 k3 k4 मिलेगा, ठीक। तो ये आप देखोगे, इसे जब सिंपलीफाई करोगे, ये बुक में दिया हुआ है, बुक से आप देख सकते हो, k1 की वैल्यू n आएगी, n मीन्स मीन, सॉरी k1 मीन्स मीन। सो मीन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट इज n। इसी तरह से k2 फाइंड करेंगे तो ये आएगा 2n, दैट इज वेरियंस। सो इन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन वेरियंस इज इक्वल टू 2 मीन, ट्वाइस ऑफ मीन, ठीक है। इसी तरह से k3 कैलकुलेट करेंगे तो k3 की वैल्यू आएगी 8n, और k4 निकालेंगे तो k4 की वैल्यू आएगी 48n, ठीक है। सिंपली क्या करना है, ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये n/2 2t² + 2t² upon 2 factorial, sorry 2 + 2t whole cube upon 3 + and so on, इस तरह से लिखेंगे। तो 2 की कोफिशियंट, 2 की लाइक पावर्स के कोफिशियंट को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में t की लाइक पावर 1, t की पावर 1 का कोफिशियंट k1 होगा, और राइट हैंड साइड में t की पावर 1 का कोफिशियंट n/2 × 2 है, तो k1 इक्वल टू n/2 × 2 आ गया, दैट इज n। इसी तरह से k2 निकालेंगे तो 2n आएगा, k3 निकालेंगे 8n आएगा, k4 निकालेंगे 48n आएगा। तो k4 की हेल्प से हम μ4 कैलकुलेट कर सकते हैं, μ4 इज k4 + 3 k2² तो ये k4 दैट इज 48n + 3 k2² दैट इज 2n होल स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 48n प्लस कितना हो जाएगा, 12 n स्क्वायर,
ठीक है। तो ये रिजल्ट हैं, ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर ध्यान में नहीं है तो आप MGF याद रखिए, और MGF की हेल्प से क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन, आपको क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन के हेल्प से K1, K2, K3 एंड K4 हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे अब हमें देखना है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, ठीक है, किस तरह की शेप है। तो β1 अगर हम कैलकुलेट करें तो β1 दिस इज μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। तो μ3 इज K3, K3 दैट इज 8 स्क्वायर, दैट इज 64 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 क्यूब, दैट इज 8 एन क्यूब। तो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 8 बाई एन। ओके, 8 बाई एन, दिस इज ग्रेटर देन 0 सिंस एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हमने सैंपल कंसिडर किया है तो सैंपल में यूनिट क्या होगी, यूनिट 1 होगी या एक से ज़्यादा यूनिट हो सकती हैं, तो एन हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो यानी ये एन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है भाई ये क्वांटिटी β1 हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, सो β1 इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज दैट काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब इसकी पिकेडनेस डिग्री हम देख लें, तो डिग्री ऑफ पिकेडनेस निकालने के लिए β2 हम कैलकुलेट करें। ठीक है, तो β2 की वैल्यू होगी μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। तो μ4 ये वैल्यू है 48n प्लस 12n स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2 स्क्वायर, μ2 इज 2n, तो 2n स्क्वायर दैट इज 4n स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो 48n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 12n स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर 12n स्क्वायर 3, तो ये वैल्यू आ गया 3 प्लस 4 1 2 12, 3 प्लस n से ये n बैलेंस हो गया n, तो 3 प्लस 12 अपॉन n, दिस इज ग्रेटर देन 3, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्वांटिटी भी क्या रहेगी, हमेशा ग्रेटर देन 3 रहेगी। तो ग्रेटर देन 3 है, दिस इंप्लाइज दैट ग्रेटर देन 3 में क्या कंडीशन होती है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकार्टिक। ठीक है, β2 ग्रेटर देन 3 दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकार्टिक, β2 इक्वल टू 3 दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज मीजोकार्टिक, एंड इफ β2 लेस देन 3 देन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी प्लेटिकार्टिक। ओके, ये रिजल्ट्स होते हैं। तो हमें पता चल गया भाई जो काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा और लेप्टोकार्टिक होगा। तो इसे जब हम डिफाइन करेंगे, अगर इसका कर्व हम निकालें तो ये कर्व अब कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। ये हमने PDF में डिफाइन किया है, PDF में y ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स काई स्क्वायर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 से इसका कर्व शुरू होगा। ठीक है, तो ये इस तरह का कर्व आएगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होते रहेंगे, यानी सैंपल साइज हम चेंज करते रहेंगे, तो इसका शेप भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर हमेशा इसका क्या रहेगा, पॉजिटिवली स्क्यूड रहेगा और लेप्टोकार्टिक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। हमने देखो β1 कैलकुलेट किया, β1 इज इक्वल टू 8 बाई एन, एंड β2 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 बाई एन। ठीक है, तो अब हम क्या करें, सैंपल साइज लार्ज कर दें, तो उस केस में ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से चेंज होगा, ये हमने देखना है। तो फॉर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी β1, तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी β1 इज 8 बाई एन, तो दिस टेंस टू 0। ठीक है,
एन टेंस टू इन्फिनिटी देन बीटा वन टेंस टू जीरो। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एज एन टेंस टू इन्फिनिटी बीटा वन टेंस टू जीरो, ठीक है। सिमिलरली हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बीटा टू फाइंड करें, तो ये होगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 3 प्लस 12 बाई एन। तो एन पे इन्फिनिटी होगा तो ये जीरो होगा, तो ये टेंड करेगा 3 को। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एच एन टेंस टू इन्फाइनाइट बीटा टू टेंस टू 3। और ये कंडीशन हमें पता है किसकी होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फॉर लार्ज एन, फॉर लार्ज एन मीन्स फॉर लार्ज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या फॉर लार्ज सैंपल साइज, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्जेस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट हमें यहाँ से मिला, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसे भी ध्यान में रखना। ये आपको पता है सब, ठीक है, फिर भी एक एज ए रिफ्रेश हम कह सकते हैं इसको, तो इससे रिफ्रेश हो जाती है नॉलेज थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट है, इसी में आगे कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं काई स्क्वायर पे बेस्ड। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है मोड क्या होगा, मोड ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मोड ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पूछ रहे हैं, तो मोड कितना होगा, तो मोड निकालने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, एक मिनट है, मेरी कॉल आ रही है। हाँ जी, तो मोड हमें कैलकुलेट करना है, मोड ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मोड हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन है एफ एक्स, ठीक, तो इसका मोड क्या होगा, तो एक्स की ऐसी वैल्यू, मोड क्या है, एक्स की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। मोड इज द वैल्यू फॉर विच दिस प्रोबेबिलिटी फंक्शन विल बी मैक्सिमम। एक्स की ऐसी वैल्यू, एक्स क्या, ऐसा पॉइंट जहां पर ये प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, वो पॉइंट हमारा मोड होगा, ठीक। तो अब मैक्सिमम निकालने के लिए फिर से हम मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया था मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट में, जैसे अगर कोई कर्व है, ठीक है, तो ये कर्व हम देख रहे हैं, तो कर्व देख के हमें पता चल रहा है भाई ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर डालेंगे, तो x की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, यही वैल्यू क्या होगी, मोड वैल्यू होगी, ठीक है। ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया मोड आइडेंटिफाई करने का। अब जो मैथमेटिकल प्रोसीजर है वो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। तो हम पहले स्लोप, फर्स्ट स्लोप कंसिडर करेंगे एफ डैश एक्स, इसे 0 पुट करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यूज के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सपोज हमें क्या मिला, एक्स की दो वैल्यूज मिली, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हमने पुट किया, तो एक्स की दो वैल्यूज मिली, देन हम एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे। एफ डबल डैश एक्स में एक बार एफ डबल डैश इसको और पर्टिकुलर वे में कहें, तो एक्स की सपोज एक वैल्यू मिली हमें ए और एक वैल्यू मिली सपोज बी, तो हमने एफ डबल डैश एक्स फाइंड किया, एफ डबल डैश ए फाइंड किया, देन एफ डबल डैश बी फाइंड किया। अब हम देख रहे हैं भाई एफ डबल डैश ए क्या है, मोस्ट नेगेटिव है, ठीक है।
तो इस केस में x इक्वल टू ए हमारा क्या होगा, मोड होगा, ठीक। और f डबल डैश b क्या होगा, इससे कम नेगेटिव हो सकता है ये क्वांटिटी या तो पॉजिटिव हो सकती है। तो इस केस में हम कहेंगे भाई a हमारा क्या है, a ऐसी x की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए एफ एक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो उस केस में x इक्वल टू ए ये हमारे मोड पॉइंट होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई करते हैं। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का मोड अगर हमें फाइंड करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर के पीडीएफ को काई स्क्वायर के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो वाई इक्वल टू एन माइनस टू हमें मिलेगा, ठीक है। यानी एन माइनस टू क्या है, मोड वैल्यू है। तो मोड ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एन माइनस टू। ये समझ में आया होगा सबके, कैसे हम मोड फाइंड करेंगे और मोड कितना होता है यहाँ पे। ये बुक में दिया हुआ है डेरिवेशन, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता दीजिए, हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड जो एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, जैसे ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास देखो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जनरली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन है क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। तो एक रिजल्ट और है, इफ एक्स फॉलोज काई स्क्वायर विथ सपोज एम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड वाई फॉलोज काई स्क्वायर विथ एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, देन एक्स प्लस वाई फॉलोज काई स्क्वायर विथ एम प्लस एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली एक्स अपॉन वाई, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वाई, एक्स अपॉन वाई विल बी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड विथ पैरामीटर्स एम बाई टू कॉमा एन बाई टू, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी मीन्स हम क्या कर रहे हैं, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके एक नया डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक नया डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। एक्स अपॉन वाई, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है। ये सिंपल रिजल्ट है काई स्क्वायर, ये सॉरी हमने गामा डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखे थे ये रिजल्ट, ठीक। तो यही रिजल्ट यहाँ पे काई स्क्वायर में भी फॉलो होंगे, क्योंकि काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये रिजल्ट थे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड, ये हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है इस चीज में, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज नहीं समझ में आई हो। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो है टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉल टी से इसे हम डिनोट करेंगे, ठीक है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में टी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो अगर हम टी को काई स्क्वायर के हेल्प से, जैसे हमने काई स्क्वायर को जेड के हेल्प से डिफाइन किया है, उसी तरह से टी को जेड और काई स्क्वायर के टर्म्स में डिफाइन करें तो टी इक्वल टू होगा जेड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ काई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। दिस टी इज नोन एज फिशर्स टी, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक टी फिशर्स टी होगी। अब यहाँ पर आपको पता है भाई जेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड विल बी नॉर्मल विथ मीन 0 एंड 1 एंड काई स्क्वायर एन फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन
विथ पैरामीटर्स 1/2 कॉमा n/2, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कोई रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लें, ठीक है, या कोई स्टैटिस्टिक डिफाइन कर लें, तो ये स्टैटिस्टिक हमारी फिशर्स टी स्टैटिस्टिक होती है। क्लियर। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें आइडेंटिफाई करना है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन एफ टी ये आएगा 1/√n इंटू 1/β 1/2 कॉमा n/2 इंटू 1/1+ t²/n टू दी पावर n+1/2 वेयर द लिमिट ऑफ टी इज -∞ to ∞। ठीक है। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, देखिए, हमने टी डिफाइन किया है, फिशर्स टी इस तरह से डिफाइन किया है, रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट एंड स्क्वायर रूट ऑफ काई स्क्वायर वेरिएट डिवाइडेड बाय इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इस तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो टी स्क्वायर कैलकुलेट करो, तो टी स्क्वायर होगा जेड स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई एन। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, टी स्क्वायर बाई एन इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर बाई एन लिखा जा सकता है। जेड स्क्वायर इज काई स्क्वायर वन एंड डिनोमिनेटर में वी हैव काई स्क्वायर एन। ओके, सो टी स्क्वायर अपॉन एन इज द रेशियो ऑफ टू काई स्क्वायर वेरिएट्स, टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स। ठीक है, अभी हमने एक रिजल्ट ऊपर देखा है, ये है रिजल्ट, इफ एक्स फॉलोज काई स्क्वायर विथ एम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड वाई फॉलोज काई स्क्वायर विथ एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देन एक्स अपॉन वाई विल फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई, जो टी स्क्वायर बाई एन है, इस टी स्क्वायर बाई एन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड विथ पैरामीटर्स 1/2 अपॉन n/2। m इक्वल टू कितना है, 1 है, ये इस तरह का रेशियो है ना, काई स्क्वायर m अपॉन काई स्क्वायर n, हेयर m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू n। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर अपॉन एन का डिस्ट्रीब्यूशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड है विथ वैल्यूज विथ पैरामीटर्स 1/2 एंड n/2। ठीक, लेकिन हमें किसका पीडीएफ चाहिए था, हमें चाहिए था स्टेटिस्टिक टी का पीडीएफ। ठीक है, तो लिमिट इस केस में क्या होगी, हम अगर टी स्क्वायर बाई एन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड काइंड की बात करें, तो इस केस में जो टी स्क्वायर की लिमिट होगी ये क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, टी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट मीन्स टी विल लाई बिटवीन -∞ to ∞। ठीक है, तो जब हम इस टी स्क्वायर बाई एन के पीडीएफ से टी का पीडीएफ एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमें ये पीडीएफ मिलेगा जहां पर टी की लिमिट क्या होगी, -∞ to ∞ होगी। और ये इसलिए होगी क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, ये पीडीएफ तभी कंसिडर होगा जब ये क्या करेगा, पीडीएफ की प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। पीडीएफ की दो प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट वन इज द फंक्शन शुड बी नॉन नेगेटिव एंड सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर है, तो टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, समझ में आया सबके। ठीक है, तो यहां से एक रिजल्ट हमें मिला, रिलेशन हमें मिला, तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, टी इक्वल टू जेड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ काई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और इसे हम कहते हैं फिशर्स टी। ठीक, अब इसी टी को इंडिपेंडेंटली डब्ल्यू ए गॉसेट ने भी आइडेंटिफाई किया। ठीक है, तो डब्ल्यू ए गॉसेट ने कैसे आइडेंटिफाई किया, अब ये हिस्ट्री तो आपको ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगी। ठीक है, तो इसमें हमने जब भी अभी शुरू में जब स्टार्ट किया था, तो वहां पर हमने कहा था भाई, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल लिया है जहां पर मीन म्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है,
ठीक है, ये सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देखते हैं जो एक्स बार होगा, एक्स बार का मीन होगा, सॉरी एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई एन। ठीक, तो इस एक्स बार के बेसिस पे हम जेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जेड की वैल्यू हो जाएगी एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की बात करें तो ये होता है जेड इक्वल टू एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जेड का सॉरी जेड क्या हो जाएगा, एक्स बार इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। ओके, सो ये वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ये सिग्मा नोन नहीं होता है। जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम करते हैं, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अगर हम मीन के लिए हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में सिग्मा नोन नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा का एस्टिमेटर यूज कर सकते हैं। ठीक, अब सिग्मा के देखो दो एस्टिमेटर हैं, सिग्मा स्क्वायर के दो एस्टिमेटर हैं। फर्स्ट वन इज स्मॉल एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एंड सेकेंड वन इज कैपिटल एस स्क्वायर सॉरी स्मॉल एस स्क्वायर इज 1/n इंटू समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एंड कैपिटल एस स्क्वायर इज 1/n-1 समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एस्टिमेटर हम लार्ज एन के लिए यूज करेंगे, फॉर लार्ज एन, क्योंकि हमें पता है भाई लार्ज एन के लिए एस स्क्वायर क्या होता है, अनबायस्ड होता है। ठीक है, और ये कंसिस्टेंट भी होगा। इसी तरह से कैपिटल एस स्क्वायर हम स्मॉल एन के लिए यूज करेंगे, फॉर स्मॉल एन। ठीक, तो अभी ये एस स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम फाइंड करते हैं, ये हम काई स्क्वायर की हेल्प से फाइंड करते हैं, इसे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस पे आते हैं। ठीक है, कभी कभी इस एस स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया जाता है। तो देखो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, इसे अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स जी अभी आगे डिस्कस करते हैं, ये एक पॉइंट रह गया है, मैंने सोचा था इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं भूल गया। ठीक है, तो अब देखो हमने काई स्क्वायर डिफाइन किया ना, काई स्क्वायर एन हमने डिफाइन किया था, दिस इज समेशन I1 to N एक्स आई माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर, इतना होता है। ठीक है, तो ये काई स्क्वायर एन है, तो इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एन विल बी इक्वल टू एन, एंड वेरियंस ऑफ काई स्क्वायर एन विल बी इक्वल टू 2n। क्लियर, अब सपोज क्या हुआ, म्यू अननोन है। ठीक है, म्यू अननोन है, तो एक रेस्ट्रिक्शन हमें मिल गई यहाँ पर, एक रेस्ट्रिक्शन लग गई। ठीक है, एक रेस्ट्रिक्शन लगी, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, सैंपल में एस्टिमेट करेंगे। तो अब देखो नंबर ऑफ अननोन्स तो हमारे पास एन ही है, लेकिन साथ में एक रेस्ट्रिक्शन भी है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा n-1। क्लियर, तो काई स्क्वायर n-1 होगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। ठीक, तो सिग्मा स्क्वायर में बाहर ले लूं, ठीक है, 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, तो ये समेशन I1 to N ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी एन इंटू स्मॉल एस स्क्वायर, इसे इतना लिख सकते हैं, एन इंटू एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, दिस इज काई स्क्वायर n-1। ठीक है, इतना समझ में आया सबके। तो अब हमें देखो एस स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, मीन्स एस स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए और एस स्क्वायर का वेरियंस चाहिए। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर n-1 ये कितना होगा फिर, अब n-1 होगा, मैंने बताया मीन ऑफ काई स्क्वायर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 है, तो इसका मीन n-1 होगा। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन इंटू एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू n-1। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा एन माइनस वन अपॉन एन इंटू सिग्मा स्क्वायर। और ये हमने देखो वहाँ पर कैलकुलेट भी किया था, इतना ही आया था, ठीक है। फिर हमने इसमें लिमिट अप्लाई की थी तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर आ गया था। तो मीन ऑफ एस स्क्वायर इज एन माइनस वन अपॉन एन इंटू सिग्मा स्क्वायर। इसी तरह से वेरियंस हम कैलकुलेट करेंगे, तो वेरियंस ऑफ काई स्क्वायर एन माइनस वन इज इक्वल टू टू, कितना होगा ये, टू एन माइनस वन होगा ना, टू एन होता है वेरियंस, ठीक है। तो टू इंटू एन माइनस वन, तो यहाँ से वेरियंस ऑफ काई स्क्वायर एन माइनस वन की वैल्यू रखूंगा, तो वेरियंस ऑफ एन इंटू एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू एन माइनस वन, क्लियर। तो अब ये एन और सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर लेंगे तो ये एन स्क्वायर अपॉन सिग्मा टू द पावर फोर हो जाएगा, होगा। और ये वेरियंस ऑफ एस स्क्वायर, ये तो फंक्शन ऑफ स्टेट, फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस है तो रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ये अंदर रहेगा इक्वल टू ट्वाइस एन माइनस वन, इतना रहा। तो यहाँ से वेरियंस ऑफ एस स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, टू इंटू एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर इंटू सिग्मा टू द पावर फोर, दिस इज वेरियंस ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से कैपिटल एस स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करें, तो कैपिटल एस स्क्वायर का देखो एक्सपेक्टेशन हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैपिटल एस स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर आएगा। और वेरियंस कैलकुलेट करेंगे तो देखो वेरियंस कितना आएगा, ठीक है। इसी को हम इतना लिख सकते हैं, इसी को इतना भी लिख सकते हैं ना, एन माइनस वन इंटू कैपिटल एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर लिखा जा सकता है। समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर कैन बी रिटन एज एन एस स्क्वायर, ये क्वांटिटी, इसको एन माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जब एन माइनस वन इंटू कैपिटल एस स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन माइनस वन इंटू कैपिटल एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो एन माइनस वन से एन माइनस वन बैलेंस हो जाएगा, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी तरह से वेरियंस अगर कैलकुलेट करें तो देखो वेरियंस क्या आएगा, ये रिजल्ट हमें मिलेगा यहाँ से, वेरियंस ऑफ एन माइनस वन इंटू एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एन माइनस वन। तो यहाँ से एन माइनस वन होल स्क्वायर ये बाहर आएगा अपॉन सिग्मा टू द पावर फोर, वेरियंस ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एन माइनस वन। तो वेरियंस ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर विल बी ट्वाइस ऑफ एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन स्क्वायर इंटू सिग्मा टू द पावर फोर। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा टू इंटू सिग्मा टू द पावर फोर अपॉन एन माइनस वन, ओके। दिस इज वेरियंस ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर। तो ये भी एक रिजल्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक, क्लियर है। कैसे हमने सैंपल वेरिएंस इन केस ऑफ लार्ज सैंपल एंड इन केस ऑफ स्मॉल सैंपल उसका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट किया, ठीक। तो अब आते हैं वापस जेड पे, ठीक है। तो जेड हमने डिफाइन किया एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा बाई रूट एन। तो अब अगर हमारे पास स्मॉल सैंपल्स हैं इन केस ऑफ स्मॉल एन, ठीक है, व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज अननोन, ठीक है। अगर सिग्मा स्क्वायर अननोन होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिग्मा का अनबायस्ड एस्टिमेटर यूज करेंगे, कैपिटल एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हो जाएगी टी, इसकी वैल्यू होगी एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बाई रूट एन। सो दिस क्वांटिटी एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बाई अंडर रूट एन इज नोन एज स्टूडेंट्स टी स्टैटिस्टिक, ठीक है, डेवलप्ड बाई डब्ल्यू ए गॉसेट। ये डब्ल्यू ए गॉसेट का पेन नेम था स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको हम स्टूडेंट्स टी स्टैटिस्टिक कहते हैं,
क्लियर। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स टी स्टैटिस्टिक में देखो, फिर से मैंने बताया, हम देख रहे थे जेड यहाँ पर क्या था, एक अननोन था, ठीक है, अननोन को एस्टिमेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में अगर ये टी की डिग्री ऑफ फ्रीडम एन है, तो यहाँ पर एक अननोन और एक रेस्ट्रिक्शन और अप्लाई हो गई। तो इस टी का जब डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड करेंगे, स्टूडेंट्स टी का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन टी एन माइनस वन आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स टी का डिस्ट्रीब्यूशन एन माइनस वन होगा, और फिशर्स टी का डिस्ट्रीब्यूशन टी विथ एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा। क्लियर है। अब देखो दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे आइडेंटिकल है। फिशर्स टी हमने डिफाइन किया था, फिशर्स टी इज जेड अपॉन रूट काई स्क्वायर अपॉन एन, और इसे जब हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, टी स्क्वायर बाई एन इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर एन, ठीक है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, काई स्क्वायर वन अपॉन काई स्क्वायर एन, ठीक। तो इसी पैटर्न पे हम स्टूडेंट टी को भी लेके आएंगे, ठीक है। तो कैसे लेके आते हैं, देखो, टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस बाई अंडर रूट एन स्क्वायर कर लें, तो स्क्वायर करने पे कितना होगा, टी स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एक्स बार माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर लिखा जा सकता है इतना। इतना लिख सकते हैं ना, क्यों? अब देखो एस स्क्वायर और स्मॉल एस स्क्वायर में क्या रिलेशन है, एस स्क्वायर इक्वल टू एन अपॉन एन माइनस वन इंटू स्मॉल एस स्क्वायर, ये रिलेशन होता है ना। तो इस रिलेशन का यूज करके मैं इसे स्मॉल एस स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूं, तो एन इंटू एक्स बार माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू एस स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। तो यहाँ से एन और एन बैलेंस हो गया, ये एन माइनस वन न्यूमरेटर में आया, ठीक है, और इस न्यूमरेटर से मैं इसे इस साइड ले आया, तो फाइनली मुझे क्या मिला, टी स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, यही मिलेगा। क्यों? यही रिजल्ट होगा। एक गड़बड़ हो गई है, एन को मैंने बैलेंस कर दिया, एन बैलेंस नहीं करना है, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो ये रहेगा एन अपॉन एन, ठीक है। अब हम क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमेटर में सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी एन इंटू एक्स बार माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस क्वांटिटी को देखिए, ये क्या है, जेड का ही स्क्वायर है, ठीक है, जेड इक्वल टू इतना है एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा बाई रूट एन। तो जब जेड स्क्वायर निकालेंगे तो ये इतना ही आएगा, तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर, न्यूमरेटर क्वांटिटी को लिख सकते हैं जेड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्वांटिटी हमने देखा था ये क्या था, काई स्क्वायर एन माइनस वन था, तो इसे हम लिख सकते हैं काई स्क्वायर एन माइनस वन। तो फर्दर हम देखें तो टी स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन इज इक्वल टू काई स्क्वायर वन अपॉन काई स्क्वायर एन माइनस वन। तो ये आइडेंटिकल है, ठीक है, डिफरेंस क्या है, एन की जगह पर एन माइनस वन है। तो स्टूडेंट्स टी का डिस्ट्रीब्यूशन एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ होगा, फिशर्स टी का डिस्ट्रीब्यूशन एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ होगा, और इसका पीडीएफ हमने ऊपर नोट किया था, ठीक है, ये पीडीएफ इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में था, ये था एफ टी इक्वल टू वन अपॉन रूट एन। अब ये फिशर्स टी है, अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स टी होगा तो एन की जगह पे एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दिस इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी, और ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, टी स्क्वायर बाई एन माइनस वन इक्वल टू काई स्क्वायर वन अपॉन काई स्क्वायर एन माइनस वन, और टी स्क्वायर बाई एन इक्वल टू काई स्क्वायर वन अपॉन काई स्क्वायर एन, ठीक है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम काई स्क्वायर की चेंज होगी, फर्स्ट केस में एन है,
तो यहाँ पर टी स्क्वायर बाई एन होगा, अगर यहाँ पर एन माइनस वन है तो यहाँ पर टी स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन हो जाएगा। क्लियर? तो एक रिजल्ट है। अब इसके बेसिस पे अब देखो, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड था, ठीक है? तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड में एमजीएफ तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक? एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हम मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक? तो मोमेंट्स कैलकुलेट करने जाएं तो मोमेंट्स में जैसे म्यू आर डैश हम कैलकुलेट करें, तो म्यू आर डैश दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, या इसे हम कह लें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, ठीक है? तो ये होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टी इंटू एफ टी डी टी, ठीक है? एफ टी की वैल्यू है, एफ टी इज 1/√n इंटू 1/β 1/2, n/2 इंटू 1/(1+t²)(n^n+1/2). तो जो एफ टी है, ये एफ टी इवन फंक्शन है, दिस एफ टी इज इवन फंक्शन, यानी हम एफ माइनस टी कैलकुलेट करेंगे तो ये एफ टी ही आएगा, ठीक है? इस एफ टी में अगर हम टी की वैल्यू माइनस टी पुट करें तो यहाँ पर ये टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर, तो एफ माइनस टी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये एफ टी ही आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये भाई, जो एफ टी है ये इवन फंक्शन है, ठीक है? और ये टी यहाँ पर जब हम टी कैलकुलेट कर रहे हैं, या सिंपली म्यू आर डैश हम निकालें, तो म्यू आर डैश इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी टू दी पावर आर, यानी टी टू दी पावर आर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? तो आर की वैल्यू जब भी ऑड होगी, 1, 3, 5 इस तरह से होगी, तो इस केस में ये फंक्शन क्या होगा? ऑड होगा, ठीक है? तो ऑड इंटू इवन ही ओवरऑल फंक्शन क्या रहेगा? ऑड रहेगा। अब ओवरऑल फंक्शन ऑड है तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है -a to a f(x) dx। इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, फर्स्ट वन इज 0 व्हेन f(x) इज ऑड, और सेकेंड ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx व्हेन फंक्शन इज इवन, ठीक है? तो इस प्रॉपर्टी से देखिए, लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये इंटीग्रैंड फंक्शन हमारा इंटीग्रल क्या है? ऑड है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? सीधे 0 हो गई, ठीक है? तो कहने का मतलब है भाई, जो मोमेंट्स अबाउट ओरिजन है, ठीक है, या ऑड मोमेंट्स अबाउट ओरिजन है, ये ऑड मोमेंट्स क्या होंगे? फिर 0 होंगे। तो एक रिजल्ट हमें ये मिला, ऑड मोमेंट्स अबाउट ओरिजन आर 0। तो यहाँ से एक और रिजल्ट फॉलो हुआ, मीन ऑफ टी इज 0। आप म्यू वन डैश निकालोगे इस रिलेशन से, तो म्यू वन डैश कितना आएगा? तो यहाँ से म्यू वन डैश इक्वल टू 0 आ जाएगा, म्यू थ्री डैश इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है? तो मीन 0 आ गया, ठीक? तो मीन 0 आने का मतलब है, जब हम ऑड पॉइंट्स निकालेंगे, ऑड पॉइंट्स में जैसे म्यू आर डैश इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू दी पावर आर कैलकुलेट करें, ठीक है? तो ये आइडेंटिकल होगा सेंट्रल मोमेंट के, व्हेन आर इक्वल टू 2, 4 एंड सो ऑन, ठीक? जब आर की वैल्यू इवन होगी तो ये फंक्शन इवन इंटू इवन, यानी ओवरऑल ये फंक्शन इवन रहेगा, तो उस केस में इस इंटीग्रल की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से रिजल्ट भी फॉलो होगा भाई, म्यू आर डैश दैट मीन्स रॉ मोमेंट अबाउट ओरिजन विल बी इक्वल टू सेंट्रल मोमेंट। अब सेंट्रल मोमेंट क्या होते हैं? सेंट्रल मोमेंट अगर म्यू आर को हम डिफाइन करें, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू वन डैश टू द पावर आर, यही होता है। सेंट्रल मोमेंट इज म्यू आर इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू वन डैश टू द पावर आर, एंड इन टी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव म्यू वन डैश इक्वल टू 0। तो म्यू वन डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू दी पावर आर ही आएगा, दैट इज म्यू आर डैश। टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? रॉ मोमेंट्स अबाउट ओरिजन आर इक्वल टू मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट्स व्हेन आर टेक्स इवन वैल्यूज, ओके? तो इस केस में जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू टू हमें मिलेगा, म्यू टू की वैल्यू मिलेगी एन अपॉन एन माइनस टू अंडर द कंडीशन दैट एन शुड बी ग्रेटर देन 2, ठीक है? तो ये वेरिएंस हुआ, वेरिएंस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। इतना क्लियर है सबको? क्यों?
पर देन मीन वेरिएंस तो कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है ना, नहीं बताना है ना, ये बुक में दिया हुआ है। अगर आपके पास गुप्ता कपूर है तो उसमें दिया हुआ है, ठीक है, वो डेरिवेशन आप देख सकते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन का डेरिवेशन है, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वेरियंस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज एन अपॉन एन माइनस टू एंड मीन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू जीरो, ओके। इसी तरह से म्यू थ्री क्या होगा, म्यू थ्री इक्वल टू म्यू थ्री डैश एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो म्यू थ्री भी जीरो है तो म्यू टू एन अपॉन एन माइनस टू आएगा, और म्यू फोर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3n² अपॉन एन माइनस टू इंटू एन माइनस फोर, क्लियर। तो ये रिजल्ट हमें मिले, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, बीटा वन और बीटा टू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बीटा वन कैलकुलेट करेंगे तो बीटा वन इज μ3² अपॉन μ2³, μ3² इज म्यू थ्री इज जीरो, तो ये सीधे सीधे बीटा वन क्या आ गया, जीरो आ गया। इसी तरह से बीटा टू कैलकुलेट करेंगे तो बीटा टू इज म्यू फोर अपॉन μ2², सो म्यू फोर इज 3n² अपॉन एन माइनस टू इंटू एन माइनस फोर अपॉन μ2², μ2² इज n² इंटू एन माइनस 2² सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा टू इक्वल टू मिलेगा 3n-2 से, ये बैलेंस हो जाएगा 3 into n-2 अपॉन n-4, ठीक है। सो बीटा वन इज जीरो, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। बीटा टू क्या है, 3 into n-2 है, ये कंडीशन होगी यहाँ पे n इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो इस केस में हम देख रहे हैं बीटा टू n इज ग्रेटर देन 4 होगा, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव ही होगी, ठीक है, और ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव होगी, तो ये ओवरऑल बीटा टू क्या होगा इस केस में, ग्रेटर देन 3 होगा, ठीक है। तो बीटा टू ग्रेटर देन 3 मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकार्टिक, क्लियर। अब डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दोनों रिजल्ट को एक साथ लिख लें तो डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट मीन, या अभी सिमेट्रिक कह लें, अभी इसको कंफ्यूज करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक एंड लेप्टोकार्टिक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक एंड लेप्टोकार्टिक, क्लियर, ये हमें पता चल गया। अब जब हम यहाँ पर हम मोड कैलकुलेट करेंगे तो मोड के लिए कंडीशन है भाई एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी जीरो एंड इनफाइनाइट, ठीक। सिंपली हमने क्या करना है, जो पीडीएफ है हमारे पास, इस पीडीएफ को, कहाँ गया भाई पीडीएफ, ठीक है, एफ टी है, एफ टी इक्वल टू 1/√n बीटा 1/2, n/2 इंटू 1/(1+t²)n^(n+1/2). इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, एक्स के टी के टर्म्स में, यहाँ पर एफ टी डैश हम निकालेंगे तो ये रिजल्ट हमें इस तरह का मिलेगा, एक्स एन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 1/(n+x²), और एक्स ऊपर आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन 2 into डिफ्रेंशिएशन 2 into t होगा, ठीक है। तो ये इस तरह की फॉर्म मिलेगी, टी अपॉन n+t² दिस इज इक्वल टू जीरो, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर हम ओवरऑल कहें तो इस तरह की फॉर्म में आएगी। तो यहाँ से हमें देखो दो रूट मिलेंगे, t इक्वल टू जीरो एंड t इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एफ डबल डैश टी फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे भाई t इक्वल टू जीरो पे ये एफ डबल डैश टी क्या होगा, मोस्ट नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है मोड ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो, ठीक है, टी का मोड कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से रिजल्ट हमें मिला, मोड इज जीरो, मीन इज जीरो एंड वेरियंस इज इक्वल टू, कितना है वेरियंस, n/(n-2), क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये आपको ध्यान में रखने हैं, सॉरी मीन इज जीरो, ओके।
तो यहाँ से जब हम डिस्ट्रीब्यूशन को इसका फ्रिक्वेंसी कर्व बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी कर्व बनाएंगे, तो ओबियस है भाई ये सिमेट्रिक है, ठीक है। अब सिमेट्रिक किसके अबाउट है, देखो सिमेट्रिक मोड हमारा जीरो आ गया, मीन जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये और हमारे पास बीटा वन कितना है, बीटा वन इज ऑल्सो जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट मीन। तो यहां से एक और रिजल्ट फॉलो होगा, मीडियन विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमें पता है एम्पिरिकल रिलेशन। एम्पिरिकल रिलेशन क्या होता है, मोड इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन। ये एम्पिरिकल रिलेशन होल्ड करता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। व्हेन वी हैव सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन विल बी सॉरी मोड विल बी थ्री मीडियन माइनस टू मीन, ठीक है। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मीडियन इक्वल टू भी क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिक अबाउट मीन होगा, तो ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसकी पीक थोड़ा सा इंटेंस होती है, ठीक है, लेप्टोकार्टिक है, और बाकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के अकाउंट टी को प्लॉट किया और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन को प्लॉट किया। तो ये टी इक्वल टू जीरो के अबाउट ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर? सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी में फिर से हम देखें बीटा वन बीटा टू को देखें, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी हम देखेंगे। तो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी बीटा वन रिमेन्स जीरो एंड बीटा टू टेंस टू जीरो, ठीक है। बीटा टू कितना है, बीटा टू इज थ्री इंटू एन माइनस टू अपॉन एन माइनस फोर। तो एन हम कॉमन ले लें, तो ये थ्री इंटू वन माइनस टू अपॉन एन अपॉन वन माइनस फोर अपॉन एन, इतना होगा। एन मैंने यहाँ से न्यूमरेटर से भी कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से भी कॉमन लिया, तो बैलेंस हो गया। तो ये थ्री इंटू वन माइनस टू अपॉन एन, इस तरह से। अब लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये टू अपॉन जीरो सॉरी टू अपॉन इन्फिनिटी, एन टेंस टू इन्फिनिटी वाली लिमिट अप्लाई होगी यहाँ पर फॉर लार्ज सैंपल साइज, एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो टू अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, सो न्यूमरेटर बिकम्स वन एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो बिकम वन, सो दिस रिमेन्स थ्री। तो हम कह सकते हैं एंड बीटा टू टेंस टू थ्री, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी बीटा वन इक्वल टू जीरो एंड बीटा टू टेंस टू थ्री। दैट मीन्स फॉर लार्ज एन टी टी डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्जेस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन की, आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। है कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट किसी को? कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है किसी को? नहीं है? तो एक लास्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, स्नेडेकर्स एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो स्नेडेकर्स ने एफ डिफाइन किया, एफ इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स। ओके, तो एफ कैसे डिफाइन हुआ, एफ स्टैटिस्टिक रेशियो ऑफ टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो एफ कैपिटल एफ से इसे डिनोट करेंगे, तो सिंपली एफ क्या है, काई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होल डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, एन अपॉन एम इंटू
काई स्क्वायर एम अपॉन काई स्क्वायर एन। ठीक है, तो यहां से एम अपॉन एन इंटू एफ इक्वल टू काई स्क्वायर एम अपॉन काई स्क्वायर एन। ठीक है, ये था। और ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड विथ पैरामीटर्स एम बाई टू कॉमा एन बाई टू। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर एफ का डिस्ट्रीब्यूशन एम बाई एन फैक्टर्स के साथ होगा। ठीक है, जब हम इसको डी वाई डी एक्स बाई डी वाई निकालेंगे तो ये एन बाई एम आएगा, तो उसी फॉर्म में इसे हम लिखें। तो यहाँ पर जो पी डी एफ होगा, इतना समझ में आया सबके कैसे लिख रहा हूँ मैं, सिंपल सी थ्योरम का यूज किया है मैंने, इफ एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट गामा वेरिएट्स देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स अपॉन वाई विल बी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है, ये मैंने रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट प्रॉपर्टी का यूज किया है गामा डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसके बेसिस पे ये डिस्ट्रीब्यूशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड होगा। तो यहाँ पर अगर हम पी डी एफ डिफाइन करें तो पी डी एफ ऑफ एफ विल बी एम बाई एन टू द पावर एम बाई टू डिवाइडेड बाई बीटा एम बाई टू कॉमा एन बाई टू, ओके, इंटू एफ टू द पावर एम बाई टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एम बाई एन इंटू एफ टू द पावर एम प्लस एन बाई टू वेयर एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड की फॉर्म होती है वन अपॉन बीटा एम कॉमा एन इंटू एक्स टू द पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन। ठीक है, यहाँ पर एम इक्वल टू एम बाई टू है, एन इक्वल टू एन बाई टू है। ठीक, और ये फैक्टर है हमारे पास एम बाई एन, तो ये फैक्टर यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। क्लियर, सो दिस इज द पी डी एफ ऑफ स्निडकर्स एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पूछी जाती हैं। ठीक है, डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे हैं, डेरिवेशन आप खुद से देख सकते हैं। ठीक, तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है भाई, मीन कितना होगा इसका, मीन ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एन अपॉन एन माइनस टू वेयर एन इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन। ठीक है, ये रिजल्ट होगा मीन इक्वल टू एन अपॉन एन माइनस टू। सिमिलरली वेरिएंस अगर हम कैलकुलेट करें तो वेरिएंस तो काफी टिपिकल आता है, तो इसे आप याद रख सकते हैं, दिस इज टू एन स्क्वायर इंटू एम प्लस एन माइनस टू डिवाइडेड बाय एम इंटू एन माइनस टू स्क्वायर इंटू एन माइनस फोर वेयर एन इज ग्रेटर देन फोर, दिस इज वेरिएंस। ठीक है, और इसी में हम जब मोड कैलकुलेट करेंगे तो मोड का वैल्यू आएगा एन इंटू एम माइनस टू अपॉन एम इंटू एन प्लस टू। ठीक है, और ये क्वांटिटी क्या होगी, हमेशा लेस देन वन होगी। ठीक, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, मोड इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस टू इंटू एम माइनस टू अपॉन एम, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं एन अपॉन एन प्लस टू ये भी लेस देन वन होगा, एम माइनस टू अपॉन एम ये भी लेस देन एन होगा, तो दोनों प्रोडक्ट लेस देन वन है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, लेस देन वन होगा। तो मोड हमेशा क्या होगा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन का लेस देन वन होगा। ठीक, इसी में एक और रिजल्ट है, इफ ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ एक्स फॉलोज एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स एम कॉमा एन देन वन अपॉन एक्स फॉलोज एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स एन कॉमा एम। क्लियर है,
ये सिंपल सा रिजल्ट है भाई, हम देख रहे हैं एक्स क्या है, एक्स इज काई स्क्वायर एम बाई एम अपॉन काई स्क्वायर एन बाई एन। ठीक है, एक मिनट मेरी कॉल आ रही है, मैं देखूँ कौन कॉल कर रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू ये है, ठीक, तो इसे हम लिखे हैं, तो ये n बाई एम का स्क्वायर m अपॉन का स्क्वायर n होगा। जो 1 बाई x यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो 1 बाई x हो जाएगा m बाई एन इंटू का स्क्वायर n बाई का स्क्वायर m। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं भाई, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या था, m कॉमा n था, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। एम क्या, एम किससे रिप्लेस हो गया, एन से रिप्लेस हो गया, और एन एम से रिप्लेस हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1/x विल बी एफ एन कॉमा एम। क्लियर है? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन की, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे भाई, आपको मोड गिवन होगा, आपको जैसे मोड गिवन है, ठीक है, और मीन गिवन है, तो आपसे कहा जाएगा भाई एम और एन फाइंड करिए। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है एग्जाम में। क्लियर, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ठीक, अब हालांकि सिलेबस में तो नहीं दिया था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये जरूरी हो जाता है हमें यहाँ पे समझना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, क्या एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक, और इसी में कुछ और रिजल्ट्स अगर हम देखें तो ये एग्जाम में पूछे गए हैं इस तरह के रिजल्ट, कि भाई जैसे हमसे कह दिया एक्स फॉलोज काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाई फॉलोज काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा एफ 1,1। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी ध्यान में रखना है। इसी तरह से जो एफ हमने डिफाइन किया है, ठीक, एफ हमने डिफाइन किया था एफ इक्वल टू एम बाई एन इंटू काई स्क्वायर एम अपॉन काई स्क्वायर एन। तो यहाँ पर एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये एन यहाँ पर देखिए, ये भी ध्यान में रखना है आपको, एम यहाँ पर न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम है और एन डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी एम इंटू एफ टेंस टू काई स्क्वायर विथ एम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सिमिलरली एज एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड एम इक्वल टू 1, देन रूट ऑफ एफ फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 एंड वेरियंस 1। तो ये भी कुछ रिजल्ट हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सिंपल से रिजल्ट हैं,
ठीक है, एन टेंस टू इन्फिनिटी देन एम इंटू एफ टेंस टू काई स्क्वायर विथ एम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एंड इफ एम इक्वल टू वन देन रूट ऑफ एफ फॉलोज नॉर्मल विथ 0,1। उस केस में काई स्क्वायर एम का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो वो सिंपली क्या होगा, जेड होगा। ठीक है, और ये भी हमने डिफाइन किया था, काई स्क्वायर एन काई स्क्वायर वन इज नथिंग बट जेड स्क्वायर। ठीक है, उससे ये रिजल्ट फॉलो करेगा। तो ये तो था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम अप्लीकेशंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस डिस्कस करेंगे, यानी पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।